नमस्ते सदा वत्सल मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ दोस्तों। दरअसल डीआरडीओ 5 किलोवाट के हाई एनर्जी लेजर को कंट्रोल सिस्टम के साथ तैयार कर रहा है, जिसे कि अपाचे और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर माउंट किया जाएगा, जो कि दुश्मनों को बिन बताए उनके टारगेट्स को खत्म कर सकता है। दरअसल अटैक हेलीकॉप्टर पर ऑप्टिकल और इंफ्रारेड जो सेंसर्स होते हैं वो टारगेट की इंफॉर्मेशन देंगे, और ये जो हाई एनर्जी लेजर सिस्टम है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को हिट कर देगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय प्राइवेट सेक्टर की फर्म भूमि एनटेक इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने मोबाइल एंटी आर्म डिक्वाइड सिस्टम को तैयार किया है, जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का अनुकरण कर सकता है और ये रडार सिस्टम का दिखावा करेगा, ताकि जो एक्चुअल रडार सिस्टम है यानी कि जो वास्तविक रडार सिस्टम है उसको दुश्मनों की एंटी रेडिएशन मिसाइल और एयर अटैक से बचाया जा सके। आपको मैं बता दूं कि ये जो नया एंटी आर्म डिक्वाइड सिस्टम है वो S-400 सिस्टम के रडार का भी अनुकरण करेगा, जिससे कि दुश्मनों की जो एंटी रेडिएशन मिसाइलें हैं वो इंडियन एयरफोर्स के S-400 सिस्टम के एक्चुअल रडार को पहचान भी नहीं पाएंगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ दोस्तों। डीआरडीओ ने अपने एयरबस A321 पर आधारित नेत्रा मार्क II प्रोग्राम को एरो इंडिया 2023 में दिखाया। कुछ खबरें सामने भी आ रही हैं कि इसका जो प्राइमरी रडार सिस्टम होगा वो 4D मल्टी मोड एक्टिव फेस्ड एरे रडार होगा, और इसके जो 2 रडार हैं वो एस बैंड और एक्स बैंड के साथ काम करेंगे, जिनका एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर फीचर होगा, और ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी पहचान सकता है। साथ ही ये जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं उन्हें भी 400 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर लेगा। आपको बता दें कि इसका जो दूसरा आईएसआर रडार है वो इस एयरक्राफ्ट के नोज कोन पर माउंट किया गया है, जो कि 30 डिग्री की कवरेज देगा, और डुअल स्वैच प्लेट्स 360 डिग्री का कवरेज देंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। एचएएल ने अपने एचएलएफटी एयरक्राफ्ट को एरो इंडिया 2023 में प्रदर्शित किया है, जिसमें कि मॉडर्न एवियोनिक्स, आईएसआर रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और हथियार दिखाए गए हैं, और इसे सुपरसोनिक ट्रेनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और यही नहीं इसका इस्तेमाल फुली कॉम्बैट रोल में भी किया जा सकता है। एचएएल का मानना है कि एचएलएफटी 42 पर काम करने में कम समय लगेगा और इसे हाई लेवल पर कस्टमाइज भी किया जा सकता है एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। आपको बता दें कि इसकी फ्लाई अवे यूनिट कॉस्ट $20 मिलियन होगी, जो कि बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगी, और ये तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के आधे रेट में उपलब्ध होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ दोस्तों। लॉकहीड मार्टिन ने घोषणा की है कि वे अपने हैवी मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर को भारत में स्थापित करेंगे, जो कि एशिया की पहली और दुनिया की तीसरी फैसिलिटी होगी अमेरिका और कनाडा के बाद, जो कि C-130J इकोसिस्टम में इनका मेंटेनेंस और रिपेयर करेगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ दोस्तों। 2 अमेरिकी F-16 फाइटर जेट और 2 F-35 लाइटनिंग 2 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट यलंगा एयरफोर्स बेस पर पहुंच चुके हैं, और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि F-35 का हमने भारत को पेशकश करनी शुरू कर दी है और इसके लिए बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ दोस्तों। एरो इंडिया 2023 की शुरुआत हो गई है, और ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। ये एरो इंडिया शो का 14वां संस्करण 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें कि स्वदेशी उपकरणों और टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एरो इंडिया भारत की बढ़ती हुई क्षमताओं का एक बड़ा उदाहरण है। यहाँ करीबन 100 देशों की मौजूदगी ये बताती है कि दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। भारत और दुनिया के 700 से अधिक प्रदर्शक इसमें भाग ले रहे हैं। इसने पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि एशिया के सबसे बड़े एयर शो के रूप में पहचाने वाले इस कार्यक्रम में 100 देश हिस्सा ले रहे हैं, और इसमें 32 देशों के रक्षा मंत्री और 29 देशों के वायुसेना प्रमुख यहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कम से कम 251 MOUs पर साइन किए जाएंगे, जिनकी अनुमानित कीमत 75,000 करोड़ रुपए है, और यही नहीं भारत यहां पर कई देशों के एयर चीफ और रक्षा मंत्रियों के साथ मुलाकात करेगा, और यहां पर भारत अपने मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट को भी पिच करेगा। इसके अलावा फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को भी अट्रैक्ट किया जाएगा पार्टनरशिप और को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के तौर पर। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ दोस्तों। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। सेना प्रमुख जनरल पांडे जी ने कहा कि ये काफी सार्थक और संतोषजनक अनुभव है। मैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की विशेषताओं पर काफी प्रभावित हूँ, विशेष रूप से इसकी पैतरेबाजी यानी कि मैनुअबिलिटी और क्षमताओं के मामले में ये सबसे बेहतर लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। साथ ही पांडे जी ने बताया कि हम मेक इन इंडिया के माध्यम से अपनी सैन्य क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को भी देख रहे हैं, और यही नहीं जिस तरीके का इकोसिस्टम हमारे पास विकसित हो रहा है, मुझे यकीन है कि अगले 8 से 10 सालों में हमारे स्वदेशी समाधानों के साथ भविष्य के युद्ध लड़ने में हम सक्षम होंगे।
बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों एक बार फिर से फिलीपींस और चीन के बीच दुश्मनी देखने को मिली है और चीन के तटरक्षक जहाज ने विवादित दक्षिणी चीनी सागर में फिलीपीन के एक तटरक्षक जहाज सैन्य ग्रेड लेजर लाइट के साथ दो बार निशाना भी बनाया, जिसकी वजह से फिलीपींस जहाज के चालक दल को कुछ समय के लिए दिखना बंद हो गया। ये जानकारी फिलीपींस के तटरक्षक बल ने दी है। उन्होंने कहा कि चाइना के जहाजों ने उनके संप्रभुता के अधिकारों का उल्लंघन किया है। फिलीपींस की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलीपीन के कब्जे वाले दूसरे थॉमस शेल के पास ये घटना हुई और इस दौरान चीनी तटरक्षक जहाज खतरनाक तरीके से उनसे लगभग 150 गज की दूरी पर आ गए। चीनी तटरक्षक बल ने कई बार फिलीपीन के तटरक्षक जहाजों को विवादित जल क्षेत्र में रोकने की कोशिश भी की है, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उनके खिलाफ लेजर लाइट का इस्तेमाल किया और फिलीपींस के तटरक्षक कर्मियों को शारीरिक पीड़ा भी पहुंचाई है। हालांकि चाइना की तरफ से इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। आपको बता दें कि चाइना की नौसेना अमेरिका और कई अन्य देशों के युद्धपोतों और जासूसी विमानों को अपनी लेजर गन से निशाना भी बना चुकी है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।